IPv4 यानी IP वर्जन 4 कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब एक एक चीज देखिए इसमें, इसमें चार ग्रुप कह सकते हैं, ये जो एक ग्रुप है, 2, 3 और 4, तो इनको हम या तो ग्रुप कहेंगे या सेट कहेंगे या हम इसको फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रुप, सेट या फील्ड। और ये क्योंकि ये 8 बिट का नंबर है, इसका मतलब 8 हो गए तो इसको हम कहते हैं एक ऑक्टेट। तो कितने ऑक्टेट हो गए जी इसमें? 1, 2, 3, 4, 4 ऑक्टेट हैं। तो हर एक ग्रुप या फील्ड या सेट ये नंबर्स होते हैं और ये एक दूसरे से अलग होंगे डॉट या पीरियड से, इसीलिए इनको ऑक्टेट कहा जाता है क्योंकि इसमें 8 बिट का नंबर होता है। हर एक जो नंबर है वो नंबर में रिप्रेजेंट होता है, यहां बिट्स में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लेकिन कंप्यूटर में जाके या फिर जब कम्युनिकेशन होगा तो ये 192 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, यानी कि 0 और 1। तो हर एक नंबर क्योंकि ये 8 बिट का है तो 0 से लेकर 2 की घात 8 तक, यानी 0 से लेकर 255 तक, ये 2 की पावर 8 माइनस 1 कर रहा हूं मैं क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं। तो हर एक नंबर या तो 0 मिनिमम वैल्यू हो सकती है या मैक्सिमम वैल्यू उसकी 255 हो सकती है, हर एक ऑक्टेट में जो वैल्यू दिखाई देगी। और जैसे मैंने कहा 2 की पावर 32 एड्रेस बन सकते हैं, यानी कि 4.9 बिलियन कंप्यूटर या लैपटॉप मान लीजिए पूरे विश्व में है, उनको ये एड्रेस दिए जा सकते हैं, यूनिक एड्रेस। लेकिन जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, तो कंप्यूटर इस तरीके की स्कीम को नहीं समझता, ये हमने खुद स्कीम दी है। तो अल्टीमेटली करते क्या है कि जैसे ये नंबर है 192, इसका बिट फॉर्म निकालेंगे, यानी 0101 फॉर्म निकालेंगे और इसी को कंप्यूटर रीड करेगा। तो होता कैसे है ये देखिए, ये आपका IPv4 का एड्रेस फॉर्मेट है, इसको हम डॉटेड, क्योंकि ये डॉट दिख रहा है आपको, इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी कहते हैं क्योंकि ये नंबर डेसिमल में लिखे, बिट फॉर्म में नहीं है अभी। लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना होता है या फिर आपकी जो स्कीम है या प्रोग्राम्स है वो इसको कन्वर्ट करते हैं इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में। अब ये डेसिमल है लेकिन ये बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज होगा, और उसके बाद ये जो एक एक वाला एक पार्ट है इसको हम कहेंगे एक बाइट, जो कि 8 बिट के बराबर होती है। तो ये 4 बाइट हो गए इसमें जी, और ये 4 बाइट कितने बनाएंगे? 32 बिट। तो IPv4 के बारे में अगर आप अब जान गए हैं तो आप समझ गए हैं कि 32 बिट है, 4 बाइट है, एक बाइट का एक ऑक्टेट है, नंबर जो है वो आपके डेसिमल फॉर्म में है, दोनों 3 डॉट होते हैं क्योंकि 4 नंबर्स हैं इसमें, और ये कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। IPv4 की एक खास बात ये है कि IPv4 में क्लासेस होती है, यानी क्लास ए अगर एड्रेस है तो 1 से लेकर 126 तक होगा, क्लास बी है तो 128 से लेकर 191 तक होगा, क्लास सी है तो 192 से 223, क्लास डी है तो 224 से 239, क्लास ई 240 से आगे है ना, जा सकता है केवल 255 तक। अब ये जो क्लास डी और क्लास सी है ये तो मल्टीकास्टिंग और एक्सपेरिमेंटल के लिए रिजर्व्ड है, 127 जो है वो लूपबैक के लिए है, यानी कि आप अपना पैकेट भेजें और अपनी कंप्यूटर पर वापस मांग लें, इसको लूपबैक कहते हैं।